राजसमंद के आमेट कुंभलगढ़ क्षेत्र में क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए समाजसेवी नीरज सिंह राणावत ने पहल की है। ऐसे में 12 खिलाड़ियों के चयन पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन सचिव नीरज सिंह राणावत ने बताया कि आमेट और कुंभलगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में कई प्रतिभाएं उचित मंच नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देती हैं। ऐसे में क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए उन्होंने कुंभलगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। 28 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 60 टीमों के 720 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों को उदयपुर और जयपुर की विभिन्न एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसका सारा खर्च उनकी संस्था यूथ केयर सोशल फाउंडेशन उठाएगी। सोच मैंने ओपनिंग के दिन से जाएंगे थे कि कोरोना काल में 2 साल बच्चे घरों में बैठे थे और 2 साल ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और उनका गेम रुक गया था। जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे ग्राउंड तक नहीं आ पा रहे थे, तो घोषणा के टाइम ये था कि टीमें वापस निकलें, तो मुझे जो मालूम था कि 48 टीमें और 720 बच्चे का इस टूर्नामेंट में भाग लिया और बहुत बड़े स्तर पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उसमें निकले। उनको आगे बढ़ाना, यानी ये लोग आगे राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे खेले, ये मेरा और मेरी संस्था का लक्ष्य है।